Mr. Vikas Chaudhary would like to present a special token of thanks to Professor Yogesh Singh. I now request Professor Raj Bhardwaj, our officiating principal, to kindly say a few words in the honor and the welcome of the Vice Chancellor. भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय यानी दिल्ली विश्वविद्यालय को गरिमामय नेतृत्व प्रदान कर रहे शिक्षा जगत के परमादरणीय यशस्वी शिक्षा कुलपति महोदय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, कॉलेज की प्रबंध समिति के चेयरमैन माननीय प्रोफेसर संजय रॉय जी, कोषाध्यक्ष प्रोफेसर सत्यपाल सिंह जी, स्टाफ काउंसिल सेक्रेटरी डॉक्टर अंशुल राव जी, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और इस हॉल में मौजूद प्रत्यक्ष रूप में मौजूद अभिभावक और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े हुए सभी अभिभावकगण और उत्साह से भरे हुए सपनों की उड़ान भरने को आतुर नवागंतुक छात्रों, मैं भगिनी निवेदिता परिवार की ओर से नव शैक्षणिक सत्र 2023-24 के शुभारंभ कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भगिनी निवेदिता कॉलेज में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को आज स्वयं पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के नामी गिरामी कॉलेजों से इतर आज नव शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में आपको स्नेहाशीष देने के लिए स्वयं कुलपति महोदय हमारे बीच पहुंचे हैं। हम प्रखर ध्वनि से स्वागत करते हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण से ही राम राज्य की कल्पना पूरी होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी जिस अंत्योदय दर्शन की बात की, उस दिशा में व्यावहारिक प्रयास की झलक है आज का यह कार्यक्रम। प्रिय विद्यार्थियों, आप खुशकिस्मत हैं कि आपने जब दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है, तब माननीय कुलपति के नेतृत्व में भारत की नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। एनईबी मुख्यतः भारत बोध से प्रेरित एक समावेशी शिक्षा नीति है, जिसके केंद्र में छात्र हैं और छात्रों का चहुंमुखी विकास है। इसका ढांचा अंतरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष है। यह वास्तव में शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के चहुंमुखी विकास की ओर एक युगांतकारी कदम है। आपको उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। माननीय कुलपति महोदय ने लगभग 2 वर्ष पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय का नेतृत्व संभाला था। तब सभी शिक्षक अपने प्रमोशन की बात जो रहे थे, कुछ एडहॉक शिक्षक परमानेंट होने की राह देख रहे थे और विद्यार्थी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की। आज हर्ष का विषय है कि सभी स्तरों पर तेजी से कार्य हो रहा है, चहु और खुशी की लहर है। जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उस
से हर पल मानव निर्णय बढ़ाता मिटाता है। तो ऐसे वाइस चांसलर सर हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम भाव विहल हैं। विश्वविद्यालय में हाल के वर्षों में नए इंजीनियरिंग कोर्सेस, हिंदू स्टडीज, आदिवासी अध्ययन केंद्र और सिलेबस निर्माण, एकेडमिक रिफॉर्म्स की बात करें या भगिनी निवेदिता कॉलेज की समस्याओं का जिक्र करें। सर, 1993 में ग्रामीण शिक्षाओं और ग्रामीण अंचल की युवा छात्राओं को शिक्षा देने के लिए यह कॉलेज शुरू हुआ। साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम्स के विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत हैं। मुख्य समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की है, लेकिन मुझे आपकी उपस्थिति में यह बात दोहराते हुए खुशी हो रही है कि कॉलेज टीचर्स, कर्मचारी और छात्राएं सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत और जुझारू प्रवृत्ति के कारण न केवल अपना शैक्षणिक दायित्व पूरा करती हैं, बल्कि स्पोर्ट्स और शिक्षा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेज ही नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, भारत का नाम भी रोशन कर रही है। माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व के पास सभी जाते हैं या जाना चाहते हैं, पर जब नेतृत्व स्वयं चलकर अंत्योदय के पास आता है तो उस दिन नए इतिहास की का निर्माण होता है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा देने वाले विवेकानंद के व्यक्तित्व से प्रभावित, अपने आचरण से शिक्षा देने वाले माननीय कुलपति महोदय हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगिनी निवेदिता कॉलेज आए हैं। मैं इतिहास बनती इस घटना के साक्षी के रूप में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। He is currently the director of the Institute of Lifelong Learning, and his parent department is the Department of Social Work at the University of Delhi. He has also taught in numerous universities such as the Vishwabharati University, West Bengal, IGNO, Assam University, and the Chhatrapati Shahuji Maharaj University at Kanpur. He is associated with various research and development organizations, has authored more than 80 research papers, and has 14 books to his credit. He took over as the chairman of Bhagini Nivedita College in December 2022. We thank you, sir, for your efforts to promote the college, to promote the teachers, to help the students and staff in every way. And we request you to say a few words. I'm delighted to see the fresh face today. Welcome to this orientation program for the newcomer students. This is an exciting time for all of us. This embark on a new chapter you are going to write, especially who has come new. This is a journey you started, and especially you enter into a higher education system. So college basically is a place, is a learning place, and explore yourself. I must tell you, you should explore yourself because many things happening now in higher education. So this is the place where you can explore yourself, you can have many friends, you can involve yourself in many colleges, committees, so you can develop your college for as you want. So I will request also to embrace the diversity of your campus. That summer lacking OE. And I know that this one college, you are going to do a lot of things. So I must say the college is a melting pot of culture, background and perspective. So engage yourself. Continuous engagement we require. Because aapko achha dekhne ke liye nahi, aapko achha insaan banne ke liye aage kaam karna hai. I would now like to introduce our treasurer, Professor Satyapal Singh, who is a professor at the Department of Sanskrit, University of Delhi. He has written numerous research papers, authored 3 books, edited many others, and held many academic assignments overseas. He has delivered a number of lectures in his area of specialization, and as the bursar of the college, I can vouch for the fact that he has always been ready to sign checks, to accommodate last minute,
you know, memos and notices. Many people retired last year, and he was the epitome of cooperation. Thank you, sir. I request you to say a few words. मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ. छोटी छोटी बात संस्कृति कह करके अपनी बात खत्म करते हैं. हमारे यहाँ एक परंपरा है, आप लोग सब भी जानते हैं, ऋषि साहब भी जानते हैं, कि जब हम कहीं मंदिर में जाते हैं, भगवान के यहाँ जाते हैं, तो तीन बार पंडित जी हमारे हाथ में जल रखते हैं, कहते हैं इसको पी लो, और तीन मंत्र बोलते हैं. और वो मंत्र क्या है? ओम अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, और फिर तीसरा कहते हैं ओम सत्यम यशय क्षीरमय शीश श्रेतम स्वाहा. आप सोच रहे हैं पंडित जी बनाओगे हमें, लेकिन बात यह है कि पहले मंत्र में कहा है, हे प्रभु आप उपस्त्रम हो, हमारे संरक्षक हो. कैसे? इस जल की तरह. जैसे माँ के गर्भ में बच्चा जब होता है तो उसका संरक्षण वाटर पॉट करता है, जल करता है, उसको संरक्षित करता है. इस संसार में आने के बाद जब बीज अंकुरित होता है तो उसको जल चाहिए, जलम वही जीवनम, वो रक्षा करता है. दूसरा उसके बाद कहा ओम अमृता पिधानम असि, हे प्रभु आप अमृत हो, जीवनदायी हो, हमारा संरक्षक भी आप हो. और तीसरी बात कही तो फिर हम कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु बहुत प्रशंसा हो गई आपकी. तो ऋषि साहब आपकी बहुत प्रशंसा हम करते हैं, आप हमारे माई बाप हैं, आप विद्यालय के संरक्षक हैं, महाविद्यालय के संरक्षक हैं. बस हम जैसे प्रभु से कहते हैं सत्यम यशय श्री, हमें तीन चीज दे दीजिए, सत्य भी चाहिए, यश भी चाहिए, और श्री भी चाहिए. अब दे दीजिए, हम तो झोली फैलाए करेंगे. आप तो जानते हैं ना हमें क्या चाहिए, प्रभु जानते हैं, आप भी जानते हैं, इससे ज्यादा क्या कहें. मैं ऋषि साहब के बारे में एक बात आपको और बताऊं. मेरा जो पहला इंप्रेशन ऋषि साहब के लिए मन में बना वो एक घटना से बना. उसके बाद में सर के बारे में दो शब्द और कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा. जब सर यहाँ विश्वविद्यालय में आए, इन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए, बहुत सारी बातें की, लेकिन एक निर्णय था जिसने मुझे अंदर तक स्पर्श किया. वो प्रमोशन का नहीं था सर, तो अपॉइंटमेंट का भी नहीं था, वो था नॉन टीचिंग स्टाफ में जो आपके यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जब भी डीए लगेगा तो उनका भी लगेगा, इससे पहले कभी नहीं. ये वो निर्णय था जो व्यक्ति के अंदर छुपी हुई मानवीय संवेदनाओं का अभिव्यक्त करता है. जो इतना संवेदनशील जिस विश्वविद्यालय को वाइस चांसलर मिले वो प्रगति क्यों नहीं करेगा. तो आज उस संवेदना की प्रतिमूर्ति है यहाँ आपने जो देखा, इसके प्रति निश्चित रूप से मैं कहने की आवश्यकता नहीं, आप कितने संवेदनशील हैं जो इतने व्यस्त समय में से निकाल करके यहाँ आए हैं. तो उन्हें आपसे निवेदन है कि आप उसे देखेंगे. सर का नाम बड़ा प्यारा है, सच में सर के नाम में योग भी है, ईश भी है, और सिंह भी है. सर योग क्या है? योग तो उसको कहते हैं जो हमारे ऋषि मुनि समाधि लगा करके बैठ जाते, एक तो वो योग होता है, एक और भी योग है सर, अप्राप्त से प्राप्ति योग है. जो प्राप्त नहीं है उसको इकट्ठा करना, जोड़ना, संभालना, ये भी एक योग है. और एक और योग है सर जिसको गीता कहती है, योग है कर्मसु कौशलम, कामों में कुशलता का नाम योग है. ये तीनों प्रकार के योग का संगम है. जिस व्यक्ति में एकाग्रता नहीं होती वो अपने कार्य में परफेक्ट नहीं होता, और सर जिस कार्य को हाथ में उठाते हैं उसको परिणाम तक पहुंचाते हैं. यही ईशित्व है, यही उनका ऐश्वर्य है, यही उनकी सफलता का राज है. और फिर साथ में सिंह भी जोड़ दिया जो बड़ा खतरनाक है. सिंह का अर्थ होता है जो साहसिक निर्णय लेता है. हमने विश्वविद्यालय को जिस परिस्थिति में देखा और आज जहां पहुंचा है वो हमारे ऋषि साहब के साहसिक निर्णयों के बिना संभव नहीं था. और उपनिषद का एक वाक्य है जो मैं जिसका प्रति फलन सर के आचरण में जीवन में देखता हूँ, वहां कहते हैं चरई वेती चरई वेती चरई वेती निरंतरम. जब सर ने कदम आगे बढ़ाया तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं. अभी मैं चर्चा में सुन रहा था कि आपके पड़ोस में एक नया कॉलेज और भी खुलने जा रहा है, तो बच्चा चिंता मत कीजिएगा, आपके बाद वाली पीढ़ी को भी एडमिशन्स मिलेंगे और ज्यादा मिलेंगे. ये बहुत बड़ा काम है. किसी शायर ने कहा है चले चलिए कि चलना ही दलीले काम रानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती. बच्चों के लिए दो बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे आप आए हैं ऐसे मैं भी आया था, और हमारी आंखों में एक सपने होते थे. उन सपनों को साकार करने के लिए तीन ही चीजें हैं, एकाग्रता, निरंतरता और डिवोशन. ये तीन चीजें आपके पास हैं तो आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं. मुझे लगता है कि सर का आशीर्वाद
आपको आज मिल रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये हमें सौभाग्य नहीं मिला था, जब हम आए थे तो कोई वीसी आकर के ऐसे बैठ करके हमें हमारे ऊपर एक दृष्टिपात ही कर देता, लेकिन आज सौभाग्यशाली सर बड़े प्यार से देख रहे हैं। ये हमें मिलता है। ये देखिए, मैं क्या कहूँ, बाड़ी अभी दौड़ी सर, बस मैं यही कहूंगा कि सर आपको प्रणाम, आपकी कार्य पद्धति को प्रणाम। जितनी बाधाएं इस विश्वविद्यालय में है यहाँ भी है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा आप लोगों को, जो मैंने सर से ही कभी सुना था, एक शेर साहब ने बोला था, जानते हो सर क्या था वो? वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हूं, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रति पूर्ण न हो, जब धारा ही प्रति पूर्ण न हो। इन विपरीत परिस्थितियों में अध्यापकगण, ये हमारे अध्यापकगण, ये साथीगण जो खड़े हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे मेडल्स लेकर के आते हैं, जो हमारा गौरव केवल महाविद्यालय का नहीं, विश्वविद्यालय का और दिल्ली प्रदेश का गौरव बढ़ाते हैं, राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं, उन सबको प्रणाम सहित मैं वंश को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी जगह लेता हूँ और सर से पुनः एक बार प्रार्थना करता हूँ कि आप तो विष्णु हैं, व्याप्त है, सबका पालन करते हैं, कर दीजिएगा सर, उसको तो नहीं देखा, इसको देख रहे हैं, हमारे इस महाविद्यालय की आवश्यकता है, उनका पूरा करेंगे, पूर्ण विश्वास है, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। Congratulations to all of you for joining Bhagini Nivedita College. On behalf of University of Delhi, I welcome you all. You all are very bright students, and we are lucky to have such bright minds of our country in one of the institutions of University of Delhi. My good wishes to all of you. अभी सत्यपाल जी ने मेरी बहुत सारी तारीफ कर दी और संस्कृत के हैं और ट्रेजरर हैं, संस्कृत का आदमी अकाउंट्स देखे, ये अपने आप में एक विचित्र संयोग है कि संस्कृत का आदमी अकाउंट्स देखता है, सोशल वर्क का आदमी चेयरपर्सन है और हिंदी का आदमी प्रिंसिपल है। क्या अद्भुत संयोग है भगवान निवेदिता कॉलेज का। और उन्होंने बहुत सारी अपेक्षाओं की बात की, इतना कह सकता हूं कि मैं आपका एडवोकेट रहूंगा हर काम में। आपने आज अपना एक एडवोकेट अपॉइंट किया, जज भी और एडवोकेट भी। हाँ सर, एडवोकेट भी और जज भी। हाँ हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। क्या है कि जजमेंट का काम किसी और के पास है, जो आपके काम है उसके जजमेंट का काम किसी और के पास है, लेकिन मैं आपका एडवोकेट रहूंगा और मुझे विश्वास है कि हम लोग नई बिल्डिंग पे भी काम करेंगे, नए टीचर्स की नियुक्ति पे भी काम करेंगे और कुछ सालों में ये जगह और अच्छी हो जाएगी। अभी भी बहुत सुंदर है और अच्छी हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी 1993 में आप शुरू हुए, 150 बच्चे थे, आज 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमने एक ग्रोथ हासिल करी और उसके बावजूद कि बेटियों के लिए कॉलेज है, तो उसमें जितना भी एक्सपेंशन हो, जितना भी इन्वेस्टमेंट हो, वो देश के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा हम सबका मानना है। नहीं, आप लोग इतना घबरा के क्यों बजा रहे हो? हाँ 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 वो भी ठीक है। पर क्या है, देखिए भारत में दो काम बहुत मुश्किल हैं, एक तो लोगों से तारीफ निकलवाना, प्रशंसा निकलवाना बहुत मुश्किल काम है, ऑल्दो आज ऐसा नहीं हुआ, खूब सारी प्रशंसा हुई, एक तो प्रशंसा निकलवाना और दूसरा पैसा निकलवाना, ये दोनों बड़े मुश्किल काम है, क्योंकि भारत के समाज को दोनों की आदत नहीं है। और अगर हम ये दो कामों में परफेक्ट हो जाएं तो मैं समझता हूं कि काफी सफलता हमें मिलती है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा ना कि कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सर आप के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, पर फिर भी मेरा
मन को मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। मैं डॉक्टर रीता नामदेव हिंदी डिपार्टमेंट से। सर आपके पास आप पीसी हैं, ये मेरे लिए आज मायने जितना नहीं रखता जितना आप अद्भुत इंसान हैं, अद्भुत मानवीयता है आपके अंदर। मैं इसे शब्दों में नहीं बोल सकती, पर हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि अद्भुत मानवीयता के कारण क्या है, कहाँ है आप जड़े। आपने सर जो कुछ एक मानवीय विकास के लिए जरूरी है वो कहीं से भी ले लिया है, देश से, विदेश से, किसी भी व्यक्ति से। और सर जो हमारी कमियां हैं, कहते हैं ना हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि कोई गलत चीज दोहराई ना जाए, तो सर मैंने इतनी ईमानदारी से किसी पहले वीसी को शिक्षा की सच्चाइयां स्वीकार करते देखा है। और सर सबसे अद्भुत, आपने अंग्रेजी में शुरू किया था, कमाल की अंग्रेजी थी, लेकिन कमाल की हिंदी बोली सर आपने बाद में, जादुई हिंदी बोली सर। आपका दोनों भाषाओं में इतना कमांड है। और सर अगर शिक्षा की कमी, जो हमारे अंदर जो सोच की कमियां हैं वो दूर हो जाए, तो वाकई में कोई दुनिया में विश्व शक्ति हो ही नहीं सकता हमारे अलावा। अभी मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ कि अभी जो लोकसभा में अधीरंजन जी ने बोला कि जब जब ब्लाइंड शासन करता है, अंधा शासन करता है, तो जो गलत चीज़ें होती हैं स्त्रियों के साथ, तो हमारे एक बीआई प्रोफेसर का ग्रुप है, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि इसका तो विरोध होना चाहिए। मैंने कहा विरोध क्यों होना चाहिए, आप ये बताओ कि आज तक विश्वविद्यालय ने क्या पढ़ाया। यही पढ़ाया ना कि वो दृष्टिहीन थे इसलिए वो शासन के काबिल नहीं थे, वो पुत्र मोह में थे। क्या किसी ने ये बात पढ़ाई बताई कि वो पूरे टाइम शासक वही रहे लेकिन पांडवों के प्रतिनिधि के रूप में रहे। अगर कोई व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में शासन कर सकता है तो अपने अधिकारों पर शासन क्यों नहीं कर सकता। कब पढ़ाया विश्वविद्यालय ने, कब पढ़ाया आप लोगों ने, कब इस बात के लिए बोला कि शिक्षा को गलत ढंग से नहीं पढ़ाया जाए, अपनी मेथोलॉजी को गलत ढंग से नहीं डिस्क्राइब किया जाए। तो आपको बोलने का राइट नहीं है। तो सर पहले हमें वाकई में अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। आप सर बीसी तो हैं ही लेकिन बहुत महान इंसान है सर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और अगर पॉसिबल हो तो मैं जरूर चाहूँगी कि एक पिक सर के साथ मेरी हो जाए और फिर वो पिक मुझे शेयर कर दीजिए। मैं देख नहीं पाऊंगी लेकिन मैं उसमें नाम लिख के सर का और सेव करके रखूँ। बस सर बहुत थैंक यू। पिक्चर तो हम सभी चाहेंगे। आई नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर अंशुल राव टू प्रेजेंट द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। आई एम ऑनर्ड टू बी स्टैंडिंग हियर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ भगिनी निवेदिता कॉलेज टू कन्वे माय ग्रेटिट्यूड। आई एक्सटेंड अ रियली हार्टेड वोट ऑफ थैंक्स टू आवर एस्टीम्ड गेस्ट प्रोफेसर योगेश सिंह, ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फॉर स्पेयरिंग टाइम फ्रॉम हिज बिजीएस्ट शेड्यूल टू स्पेंड द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू एकेडमिक सेशन विद अस। Sir, today we had an opportunity to hear your thoughts, which will surely encourage us in future. Thank you so much. Next, I express our gratitude to the chairperson of governing body, Professor Sanjay Roy, for gracing the occasion and sharing his vision for Bhagini Nivedita College family. We are lucky enough to have the support of a team of proactive and devoted leaders who guide us to our new heights in the field of education. Thank you, sir. I am immensely thankful to Professor Satyapal, Treasurer and Governing Body, for always encouraging us by being with us at every step. Thank you, sir. A particular mention goes to our esteemed Principal, Professor Raj Bhardwaj, who inspires us to achieve our best and serves as a pillar of strength. I will fall short of my responsibility if I do not express my gratitude to my fellow team members, organizing team members from teaching and non-teaching staff who work tirelessly to make today's program remarkable. Thank you, friends, for your involvement and your willingness to take the completion of tasks beyond your comfort zones. I also thank Dr. Amrita Mehta for her efforts toward anchoring today. I express our heartfelt gratitude to our dedicated teachers for their tireless work
एंड आवर सिंसियर थैंक्स टू ऑल आवर नॉन टीचिंग स्टाफ हुज एंथुसियाज्म एंड डेडिकेशन आर ऑलवेज इंस्पायरिंग. आई थैंक ऑल द स्टूडेंट्स हू परफॉर्म टुडे आवर एनसीसी कैडेट्स एंड आवर वॉलंटियर्स फॉर एनरिचिंग दिस प्रोग्राम विद देयर टैलेंट्स एंड हार्ड वर्क. Our heartfelt gratitude goes to all parents and well-wishers for their unwavering support and encouragement. Thank you for being with us today. And finally, I would like to thank our pride, our students. Dear students, we value you and every moment that you spend with BNC family. A big thank you to each of you who make this day memorable for us. Thank you.